हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज मैं फेसबुक पेज का एक जबरदस्त सेटिंग्स आज मैं शेयर करने वाला हूं, जो है कि पब्लिक पोस्ट सेटिंग्स। तो ये पब्लिक पोस्ट वाला जो सेटिंग्स फेसबुक पेज का, मैं डिटेल तरीकों से समझाया, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके जस्ट आपको मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे सेटिंग्स करना है, ठीक ठाक सेटिंग्स कैसे ऑन ऑफ करना है, ठीक है, पब्लिक पोस्ट का। जस्ट आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आज ये वीडियो होने वाले हैं। और इससे भी पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया फेसबुक पेज सेटिंग्स रिलेटेड, जैसे प्राइवेसी सेटिंग्स कैसे करना है, पेज एंड टैगिंग का सेटिंग्स कैसे करना है, और फेसबुक पेज का नेम कैसे चेंज करना है। और ये वीडियो बनाने के बाद भी ऑलरेडी और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं एक एक करके फेसबुक पेज का सेटिंग्स रिलेटेड। तो फेसबुक पेज अगर यूज करते हो, फेसबुक पेज में वीडियो अपलोड करते हो, फेसबुक पेज से पैसा कमाना चाहते हो, तो आज ये वीडियो तो देखना ही है, और इसके बाद भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। जस्ट आप देखिएगा, चैनल के साथ रहिएगा, और इससे भी पहले वीडियो अपलोड ऑलरेडी है, आप देखिएगा, ठीक है। तो आपको सारी के सारी सेटिंग्स का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और फेसबुक पेज का एक्सपर्ट बन जाएंगे। जस्ट आप चैनल के साथ रहिएगा, और चैनल को साथ रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल बटन पे प्रेस करना है। और फेसबुक पेज पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप फॉलो कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल बटन पे प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए, आज ये पब्लिक पोस्ट वाला जो सेटिंग्स है कैसे करना है ठीक ठाक देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने फेसबुक एप्लीकेशन ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद आपको सीधा आपका पेज का जो प्रोफाइल हो या लोगो हो या ट्रिपल लाइन जो भी शो हो, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपका पेज का जो सेटिंग्स है, बस जस्ट आप सेटिंग वाला ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। फिर आपको सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेंगे, तो आप फिर सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा, आपको पेज सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो जस्ट आप पेज सेटिंग्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पेज का नेम कैसे चेंज करना है, फेसबुक पेज, प्राइवेसी सेटिंग्स और पेज एंड टैगिंग, इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल मैं वीडियो बनाया। जस्ट आप देखिएगा, एक एक करके मैंने वीडियो बनाया है, जस्ट आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, उसके नीचे जो ऑप्शन है पब्लिक पोस्ट, तो आज मैं फेसबुक पेज का पब्लिक पोस्ट सेटिंग्स के बारे में डिटेल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीडियो। जस्ट आप वीडियो एंड तक देखिए तो आपको समझ में आएगा। अगर आप फेसबुक पेज यूज करते हो तो पब्लिक पोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन आप जरूर देखे रखिएगा और ठीक ठाक सेटिंग्स करके रखिएगा। चलिए, मैं पब्लिक पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जस्ट यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप एक बार चेक कर लीजिए पब्लिक पोस्ट। यहाँ पे देखिए, हु कैन फॉलो माय पेज, मेरा पेज कौन फॉलो कर सकता है, इसको पब्लिक करके रखना है। पब्लिक हमेशा के पब्लिक ही रहेगा, तो पब्लिक होने में ठीक है, ठीक ठाक है। अगर नहीं है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, पब्लिक आपको ऐसे ही करना है। और उसके नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पब्लिक पोस्ट कमेंट, ठीक है, और यहाँ पे आपको पब्लिक करना है, यानी आपका पेज पे कौन कमेंट कर सकता है कोई पोस्ट के नीचे, तो पब्लिक करके रखिएगा, क्योंकि आपका पेज तो पब्लिक के लिए है, ठीक है, तो पब्लिक करके रखिएगा। तो चलिए, मैं स्क्रॉल करके ऊपर की तरह ऐसे ही करता हूँ, और उसके नीचे देखिए दोस्तों, पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन, आपके पेज पे कोई भी पोस्ट, कोई भी फॉलोअर्स अगर फॉलो करना चाहे, और कोई भी फॉलोअर्स अगर कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे अगर आपका पोस्ट, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप एवरीवन करके रखिएगा। नो वन पे क्लिक करने से आपके पेज पे कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा, ठीक है, तो आप इसको हमेशा के लिए एवरीवन करके रखिएगा। और उसके नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए तो देखिए, उसके नीचे पब्लिक पेज इंफॉर्मेशन, पब्लिक पेज इंफॉर्मेशन आपको हमेशा के लिए पब्लिक रहना होगा। और उसके नीचे देखिए कॉमेंट रैंकिंग, तो कमेंट रैंकिंग वाला ये जो ऑप्शन है दोस्तों, इसको आप एनेबल करके रखिएगा। ऐसा अगर डिसेबल है तो आप इसको एनेबल ऐसा ही करके रखिएगा। उसके नीचे देखिए दोस्तों, ऑफ फेसबुक प्रीव्यू, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप इसको एनेबल करके रखिएगा। तो इसका मतलब क्या होते हैं, चलिए आपको समझाते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पेज पे कोई पोस्ट, कोई पब्लिक ग्रुप अगर शेयर करे, तो उस शेयर होने के साथ साथ आपके पेज का यूजर नेम और जो पोस्ट करें उनका ओरिजिनल जो पोस्ट होता है, ओरिजिनल पोस्ट, उनके ओरिजिनल प्रोफाइल इमेज, ये सारी चीज़ों उनके साथ ऐसा ही जुड़ जाएगा कोई किसी ने शेयर करे तो, ठीक है, तो इसको आप हमेशा के लिए एनेबल करके रखिएगा। और उसके नीचे देखिए दोस्तों, कंटेंट मॉडरेशन, और उसके नीचे देखिए प्रोफेनिटी लेटर, तो प्रोफेनिटी लेटर क्या होता है और इसको आपको ऑन क्यों करना है, चलिए आपको समझाते हैं। इसको आप पहले क्लिक कीजिए प्रोफेनिटी लेटर, और यहाँ पे डिटेल्स लिखे हुआ है, चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्रोफेनिटी लेटर, हाइड पोस्ट एंड कमेंट्स विथ प्रोफेनिटी, यहाँ पे आपको एनेबल करना है। यहाँ पे ऐसा ही अगर आपको ऑफ रहे या डिसेबल रहे, तो इसको आप हमेशा के लिए एनेबल कीजिएगा। तो एनेबल क्यों करेंगे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्लियरली फेसबुक वालों ने बता दिया कि भाई, इसको अगर आप एनेबल करेंगे
तो कोई किसी ने आपके पेज पे आ गया, कोई किसी ने गाली वगैरह दे, कमेंट करे, उल्टा पाल्टा कमेंट करे अगर गाली वगैरह दे, तो ऑटोमेटिक फेसबुक वालों ने अगर वो पोस्ट रिव्यू में चले जाए और फेसबुक वालों के नज़र में आ जाए तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन को हट जाएगा, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो इसको आप एनेबल करके रखिएगा प्रोफेनिटी लेटर। और उसके नीचे देखिए दोस्तों ब्लॉक लिस्ट फिल्टर। तो ब्लॉक लिस्ट फिल्टर क्या होते हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्लिक करके। जैसे इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताएगा कि भाई कोई ऐसा वर्ड जो आपको पसंद नहीं है, आपको लगता है ये गाली होता है, गाली वगैरह होता है, तो ये वर्ड लिख सकता है, कोई गाली वगैरह यहाँ पे लिख के सेव करके रख सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। चलिए उसके नीचे जो ऑप्शन है देखिए दोस्तों, रिस्ट्रिक्शन वाला ऑप्शन, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और कंट्री रिस्ट्रिक्शन। तो चलिए इसको मैं क्लिक करके समझाता हूँ। कंट्री रिस्ट्रिक्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, देखिए रिस्ट्रिक्शन टाइप, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है देखिए दोस्तों, रिस्ट्रिक्शन टाइप, और उसके नीचे देखिए कंट्रीज। तो ये क्या मतलब है, चलिए आपको समझाते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन टाइप पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन फिलहाल आपको मिलेगा जो कि हाइड फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज, यानी यहाँ पे कुछ कंट्री के लिए आप हाइड कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं फेसबुक का जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कुछ कंट्री के लिए यहाँ पे आप चाहे तो हाइड कर सकते हैं। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है सो ओनली टू सर्टेन कंट्रीज, ये अभी डिजेबल है। तो इसको एनेबल कैसे करना है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कंट्री वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नो कंट्रीज सिलेक्टेड, यानी कोई कंट्री ऐसा सिलेक्ट नहीं है। आप कुछ कंट्री के लिए यह रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं आपके पेज के जो भी रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको एनेबल करना है, कुछ कंट्री सिलेक्ट करना है। चलिए कंट्री पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ कंट्री सिलेक्ट करना है। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं आपको सर्च करता हूँ, जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और भी आप चाहे तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया है, ठीक है। तो इस तरह आप चाहे तो यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं और आपके हिसाब से आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे देखिए कंट्री वाला मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है, देखिए कंट्रीज वाला के नीचे पाकिस्तान बांग्लादेश। चलिए अभी रिस्ट्रिक्शन वाला जो ये टाइप होता है, मैं रिस्ट्रिक्शन वाला टाइप पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा दोस्तों, देखिए ये पहले हाइड था, अभी देखिए ये एनेबल हो गया, अभी हाइड अनहाइड हो गया है, और उसके नीचे हाइड फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज से ऑलरेडी क्लिक है। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पहले वाला ऑप्शन पे, पहले वाला ऑप्शन पे क्लिक भी हो रहा है। चलिए उसके नीचे देखिए एज रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे देखिएगा एज रेस्ट्रिक्शन, एज रेस्ट्रिक्शन मेरा ऑन है, चलिए इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन आपके पेज के हिसाब से, आपके जो कंटेंट आप अपलोड करते हो कंटेंट के हिसाब से आप यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप पीपल 18 एंड ओवर सिलेक्ट किया है, 18 साल से ऊपर आपको ये कंटेंट आपको बनाना है, ठीक। तो ये पब्लिक पोस्ट के नीचे जो भी ऑप्शन है मैं डिटेल आपको समझाने की कोशिश की। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और बिल्कुल आपको ये चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल बटन पर प्रेस कीजिए, और फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हो तो आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पेज सेटिंग्स रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं एक एक करके। जस्ट आप चैनल के साथ रहिएगा, पेज के साथ रहिएगा। मिलता हूँ फिर अगले और एक नया सेटिंग्स के साथ।